जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तब एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी इनके पिता के सामने की इनका पुत्र बड़ा होकर एक बड़े सन्यासी बनेंगे, जिसे सुनकर इनके पिता को बड़ी निराशा हुई क्योंकि इनके पिता एक राजा थे और ये अपने पुत्र को भी राजा बनाना चाहते थे। जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पुत्र को कोई दुख नहीं देंगे जिससे उनका मन वैराग्य की ओर उत्पन्न हो। तब उन्होंने अपने राजमहल में ऐसी व्यवस्था करवाई कि जब तक उनका विवाह नहीं हो गया तब तक उन्होंने ना किसी बीमार व्यक्ति को देखा ना किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, यानी कहा जाए तो सारे दुखों दर्द से उन्हें परे रखा गया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तब वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। तब उनके गुरु प्रथम गुरु अलार कलाम जी बने जिन्होंने उनसे संख्या दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में चले गए, सारनाथ के जंगल में तपस्या के लिए चले गए। कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो महात्मा बुद्ध बौद्ध